चिटिया कलाइयां, काली काली आंखें, गोरे गोरे गाल, चुरा के दिल मेरा गोरी आंचल, हम काले हैं तो क्या हुआ दिलवाले हैं। इनके अलावा और न जाने कितने ऐसे सॉन्ग्स हैं हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में ही जो फेयर स्किन यानी कि गोरे रंग को प्रमोट करते हैं। हीरोइन गोरी है तभी लड़के उसके पीछे पागल है, अगर कोई काला है तो उसको प्रूव करना पड़ेगा कि काला है पर दिल उसका काला नहीं है। गाने सुनने में तो अच्छे लगते हैं पर सोच कर देखिए हमारे समाज में क्या ऑब्सेशन है गोरे रंग से। Why are Indians so obsessed with fair skin? Hello and welcome to our channel, दोस्तों आपके साथ मैं हूँ गायत्री और हाजिर हूँ एक और एक्सप्लेनर लेकर। सबसे पहले आपको लेकर चलते हैं काफी पीछे, क्योंकि ये जो गोरी त्वचा का क्रेज और नॉर्म्स जो बनाए गए हैं ना, उनकी शुरुआत हुई थी हमारे भारतीय वर्ण सिस्टम से। इस सिस्टम में ये बताया गया है कि जो ब्राह्मण जाति के लोग होंगे यानी कि जो पुराने जमाने के अपर कास्ट है वो गोरे होंगे, और जो शूद्र जाति के होंगे यानी कि जो लोअर कास्ट जिन्हें माना जाता है वो काले होंगे। उसके बाद हमारे देश में जो भी इन्वेडर्स आए जैसे कि मुगल, पोर्चुगीज, फ्रेंच इन्वेजन, ये सभी लाइट स्किन कलर वाले थे। उससे और ज्यादा हायरार्की सेट हुई उनकी जो लाइट स्किन थे, पर सबसे ज्यादा जिसने रंग के नाम पर भेदभाव किया, जिसे रेसिज्म भी कहा जाता है, वो थे ब्रिटिश। इन्होंने शुरू से आते ही भारतीयों को उनके नेचुरल स्किन टोन की वजह से उनका अपमान करना शुरू किया, जगह जगह उन्हें नीचा दिखाया। डार्क स्किन इंडियंस को पब्लिक प्लेसेस जैसे कि रेस्टोरेंट्स और शिक्षण संस्थानों में आने की अनुमति नहीं होती थी। ये खून खौलाने वाला बोर्ड तो शायद सभी ने देखा होगा, लेकिन उसके बाद जब लोगों ने ये देखा ना, तब जो भारतीयों के दिल को सुकून मिला था वो शब्दों में बयान नहीं हो पाएगा। खैर, टॉपिक से नहीं भटकते और आगे बढ़ते हैं। बॉलीवुड से लेकर हमारी एड इंडस्ट्री तक में फेयरनेस को जो इंपॉर्टेंस मिलती है उसका कोई हिसाब नहीं है भैया। और सिर्फ लड़कियों के केस में नहीं, आज की तारीख में लड़कों के लिए भी गोरा होना उतना ही जरूरी बन गया है। बात करें अगर बॉलीवुड की, तो हम आपको कई ऐसे एग्जांपल्स दे सकते हैं जिसमें अगर आप मूवीज में एक गरीब कैरेक्टर प्ले करते हुए एक्टर को नोटिस करेंगे तो वो डार्क स्किन दिखाया जाएगा विद द हेल्प ऑफ मेकअप, जबकि हीरो या हीरोइन हमेशा लाइट स्किन होंगे। लड़की का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाया जाता है तो उसकी स्किन का रंग भी अपने आप साफ हो जाता है, और तब जाकर लड़का उसके प्यार में पड़ता है। और ये फेयर स्किन ऑब्सेशन सिर्फ रील तक सीमित नहीं रहता, ऑफ स्क्रीन भी ये कई तरह के ट्रीटमेंट्स करवाते हैं या मे बी करवाने पड़ते हों टू स्टे रेलेवेंट। बेसिकली गोरे रंग वाले एक्टर्स को ज्यादा काम मिलता है, उनको फिल्मों में तवज्जो दी जाती है। सिर्फ इतना ही नहीं, ये फेयरनेस ब्यूटी प्रोडक्ट्स को एंडोर्स और प्रमोट भी करते हैं, जो कि है हमारा अगला और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा। आपको पता है कितना बड़ा है इंडिया में फेयरनेस क्रीम्स का मार्केट, और ये सिर्फ औरतें ही नहीं कंट्रीब्यूट करती हैं इसमें, भारत में फेयरनेस क्रीम मार्केट का एक लंबा और प्रॉस्परस इतिहास रहा है। और साल 2020 में ब्लैक लाइव्स मैटर आंदोलन शुरू होने तक 2023 तक इसके 5000 करोड़ रुपए तक पहुंचने का एस्टिमेट लगाया जा रहा था, जिसमें फेयर एंड लवली हमारे इंडियन फेयरनेस प्रोडक्ट के मार्केट को डोमिनेट करती थी। मर्दों के लिए जब से फेयरनेस क्रीम्स बननी शुरू हुई उसका मार्केट औरतों के कॉस्मेटिक मार्केट से 150 गुना ज्यादा स्पीड से बढ़ा। इनफैक्ट मेंस फेयरनेस क्रीम्स आने से पहले विमेन फेयरनेस क्रीम्स के 30% कंज्यूमर्स मेन थे। इंडिया फेयरनेस क्रीम और ब्लीच मार्केट ओवरव्यू 2018 टू 2023 के मुताबिक 2019 में भारतीय फेयरनेस क्रीम मार्केट लगभग 3000 करोड़ रुपए का था। हमें बताया जाता है कि गोरेपन से कॉन्फिडेंस आता है, अच्छा इंप्रेशन पड़ता है सामने वाले पर। एक आदमी को भी एक अच्छी जॉब, सक्सेसफुल करियर और एक अच्छे लाइफ पार्टनर के लिए गोरा होना पड़ेगा, ऐसा दिखाया जाता है इन फेयरनेस क्रीम एड्स में। कॉर्पोरेट सेक्टर्स में तो इतने बुरे हाल है कि लोग प्लास्टिक सर्जरी से लेकर इंजेक्टेबल्स तक का सहारा ले रहे हैं टू मेक देयर स्किन लुक फेयर, सो दैट उनकी ऑफिस में सुंदरता के बेसिस पर प्रमोशन मिले। हाँ, सही सुन रहे हो आप, आज भी तमाम लड़कियों और लड़कों का मानना है कि टैलेंट या नॉलेज के बेसिस पर नहीं, सुंदरता के बेसिस पर प्रमोशन, अच्छी पोस्ट, यहाँ तक कि एक अच्छी जॉब भी मिलेगी आपको। ये तो फेयरनेस क्रीम मार्केट की बात हुई, अब आते हैं हमारी सोसाइटी पर और किस तरह ये कलर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना सिर्फ हमारी सोसाइटी में फैला हुआ है पर उसने कितना नेगेटिवली इम्पैक्ट किया है हमारी सोसाइटी को। कई रिसर्च हुई है और उनमें ये पाया गया है कि डार्क स्किन वाले बच्चे आइसोलेटेड बन जाते हैं, या तो और बच्चे उनके साथ खेलना नहीं पसंद करते या उनका मजाक उड़ाते हुए उन्हें कल्लू, कलवा, कालिया जैसे नामों से बुलाएंगे। इस चक्कर में या तो वो बिल्कुल ही इंट्रोवर्ट बन जाते हैं या अपना मजाक खुद उड़वाने लग जाते हैं और पीपल प्लीजर्स बन जाते हैं। मैट्रिमोनी एड्स को ही देख लीजिए, मैट्रिमोनियल एड्स में जिस तरह से लड़के वालों की तरफ से भेजे गए एड्स में लड़की की रिक्वायरमेंट्स को डिस्क्राइब किया जाता है, वाह 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 वाह, ब्राइड वांटेड फेयर, टॉल एंड स्लिम, फेयर।
राजस्थान हरियाणा जैसे स्टेट्स में अगर लड़की का रंग डार्क है तो उन्हें बाहर नहीं लेकर जाते हैं अपने साथ। ऐसी लड़कियों को शादी में दहेज भी ज्यादा देना पड़ता है। ये पिक्चर जो आपके सामने है, विच वॉज अ पार्ट ऑफ अ कैंपेन अगेंस्ट बायस ऑन डार्क स्किन, इससे ज्यादा परफेक्टली शायद मैं या कोई भी हमारी सोसाइटी को डिस्क्राइब नहीं कर सकता। हमारी सोसाइटी में रंग डार्क है तो उसे शेम किया जाता है, उसे गरीबी, भद्देपन और गंदगी के रूप में देखा जाता है। हालांकि बदलते समय के साथ जब लोग अवेयर हो रहे हैं और रेसिज्म के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं, ओवर द इयर्स फेयरनेस क्रीम्स के मार्केट में काफी ड्रॉप देखने को मिला है। लोगों ने अब सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे एड्स को पब्लिकली क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया है जो गलत तरह के ब्यूटी स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। काफी एक्टर्स ने भी अब ओपनली इसके बारे में बोलना शुरू किया है। पर इंडिया में अभी भी बहुत 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 ज्यादा जागरूकता की जरूरत है, सोच में बदलाव की जरूरत है और परिवर्तन करने की जरूरत है, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को कभी ये ना लगे कि उनकी त्वचा का रंग उनकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की बाधा बन सकता है। हमें ये चीज सोचने और समझने की जरूरत है कि हर रंग अपने आप में खूबसूरत होता है। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।